जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आपदापनहर्तारं दातारं सर्वशंपरां लोकाभिरामं श्रीरामं भूय भूय नमाम्यहम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोगमोक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राम राम सब कोई कहे, राम राम सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर, बिना प्रेम रीझत नहीं नटवर नंद किशोर, नटवर नंद किशोर। बात उस समय की है जब भगवान श्री राम माता सबरी से उनकी मुलाकात हुई। माता सबरी भगवान श्री राम को कहती हैं कि प्रभु, अगर रावण का वध नहीं करना होता तो हमारी और आपकी मुलाकात नहीं हो पाती, आप हमें दर्शन नहीं देते। भगवान श्री राम कहते हैं, मां आपको लगता है कि राम सीता का पता लगाने के लिए, रावण का वध करने के लिए अयोध्या वन में आए हैं, परंतु यह सत्य नहीं है। रावण नहीं, रावण के पूरे वंश का विनाश केवल और केवल लक्ष्मण की एक बाण से हो सकता है। तो राम को आवश्यकता नहीं है कि इतना दूर वन में भ्रमण करते हुए आवे और रावण का वध करे। अगर राम आए हैं तो केवल प्रेम की प्रतिष्ठा के लिए आए। माता सबरी का प्रेम खींच करके लाया। आपकी जो भक्ति है वह भक्ति अपने आप में अतुलनीय है। मानव जिस स्वरूप में रहे, जिस समुदाय में रहे, महत्वपूर्ण वो नहीं है। प्रायः बहुत सारे लोग यह सोचते हैं कि मैं अमुक जाति का हूं, या तो उनके अंदर उच्च भावना हो जाती है या तो उनके अंदर निम्न भावना हो जाती। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि हम कौन से परिवार से हैं, कौन से समुदाय से हैं, कौन से जाति से हैं। महत्वपूर्ण यह है कि हमारे मन में भगवान श्री राम के प्रति प्रेम कितना है, वह महत्वपूर्ण। राम नाम का जप तो सभी करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति जिसके अंदर भी भगवान की थोड़ी सी भक्ति है, भगवान का नाम चाहे जिस प्रकार से भी जपा जाए, हमेशा कल्याण को देने वाला ही है। प्रत्येक व्यक्ति चाहे जिस कामना से सही भगवान के नाम को जपते अवश्य है, परंतु भगवान प्रसन्न उनके ऊपर होते हैं, भगवान से नाम प्रसन्न उनके ऊपर होते हैं जिनके अंदर प्रेम होता है।
भक्ति तो अपने आप में प्रशंसनीय है ही, परंतु भगवान श्री राम कहते हैं माता आपकी जो भक्ति है वह अतुलनीय भक्ति है। जिन्होंने यह विचार नहीं किया कि मैं कौन से परिवार से हूं, कौन से समुदाय से हूं, जिसके मन में मेरी कथा के लिए प्रेम आ जावे, जिसके मन में संतों के लिए अनुराग उत्पन्न हो जाए, जिसका मन कथा के अतिरिक्त और किसी चीज में नहीं लगे, वास्तव में उसकी भक्ति प्रशंसनीय। प्रथम भक्ति संतन की संगा, दूसर रत मम कथा प्रसंगा। जिसके अंदर संतों के प्रति इतना सुंदर भाव होता है माता सबरी, सबर जाति में उत्पन्न होने के बावजूद जब वह देखते हैं कि किस प्रकार से उनके विवाह के लिए पशुओं को एकत्रित किया जा रहा है, माता सबरी ने पूछा आखिर ये पशु क्यों जमा किए जा रहे, क्यों एकत्रित किए जा रहे हैं। लोगों ने कहा भाई आपका विवाह होगा और उस विवाह में ये जितने भी पशु हैं इन सब की हत्या की जाएगी, इनको मारा जाएगा और उनसे ही जितने भी लोग आएंगे विवाह में उन सब की आवभगत हो। माता सबरी जैसे ही इस बात को सुनती है उनका हृदय द्रवित हो जाता है। एक स्त्री के सुख के लिए, एक स्त्री के श्रृंगार के लिए इतने सारे निरीह पशुओं को मार दिया जाए, क्या यह उचित होगा। रात्रि में ही वह सारे के सारे पशुओं को खोल देती है, बंधन मुक्त कर देती है। सुबह जब पिताजी को पता चला, भाइयों को पता चला, तो उन्होंने कहा एक काम करो आप घर से निकल जाओ, हमने इतना परिश्रम किया, परिश्रम करके जमा किया और आपने सबको छोड़ दिया। माता सबरी वे है जिन्होंने कहा मैं स्वयं विवाह करना नहीं चाहती, जिस विवाह से किसी का नुकसान हो, इतने सारे जीवों की हत्या कर दी जाए, वह विवाह कभी भी हमें आरामदेह नहीं हो सकती, हमारे लिए सुखदायक नहीं हो सकती। माता सबरी अंत में घूमते फिरते मतंग मुनि के आश्रम के पास पहुंचते। अब माता विचार कर रही है, मन में विचार कर रही है कि मैं ऋषियों की सेवा करना चाहती हूं, परंतु क्या पता ऋषि हमारी सेवा को स्वीकार करेंगे अथवा नहीं करेंगे। और इस प्रकार से माता सबरी ब्रह्म मुहूर्त में ही ऋषियों के जगने से पूर्व ही आश्रम के सारे कार्य को करती। उनका यह कार्य इतना अलौकिक होता है, संत आपस में विचार कर रहे हैं कि आखिर आश्रम का यह सारा कार्य कर कौन रहा। और उस समय एक बार संतों ने देखा कि माता सबरी आश्रम की सफाई कर रही। संत कहते हैं महाराज वास्तव में इस प्रकार से यह कार्य कर रही हैं और लेकर के मतंग मुनि के सामने खड़ा था। मतंग मुनि ने माता सबरी को देखा है और देखने के बाद
ऋषियों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि महाराज वास्तव में इन देवी के अंदर बहुत भक्ति है, और भक्ति का संबंध हृदय से होता है, भक्ति का संबंध जाति से नहीं होता। इन सब बातों पर विचार करते हुए भगवान श्री राम कहते हैं, मां वास्तव में राम अगर वन में आए हैं तो केवल और केवल आपकी भक्ति को तुष्ट करने के लिए, क्योंकि जिसके अंदर मेरी भक्ति आ जाए फिर वह संसार में कभी भी नीच नहीं हो सकता, उसका स्तर अपने आप उठता चला जाता है। इसलिए हे मां ये कभी मत कहना कि राम वन में रावण का वध करने के लिए आए। राम अगर इस वन में आए हैं तो केवल और केवल माता सबरी के मन को तुष्ट करने के लिए, माता सबरी के भक्ति और ज्ञान को परिपूर्ण करने के लिए आते हैं। संसार में जब भी भक्ति की चर्चा होगी माता सबरी का नाम हमेशा लिया जाएगा। यह भगवान श्री राम की कृपा है। प्रेम से बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम।